वीडियो के लिए अच्छे सॉन्ग के लिए अच्छे शॉट्स के लिए शिफ्ट करना पड़ता है. मेहनत तो बहुत लगी गाने में. इनफैक्ट एक सेटअप था क्योंकि वहाँ पे बारिश अर्मेनिया में इतनी हो रही थी कि हमारा पूरा सेटअप खराब हो गया. हमारा एक दिन तो पूरा वेस्ट ही हो गया. तो पूरी यूनिट को शिफ्ट करना पड़ा दूसरी लोकेशन पे. कुछ 3-4 घंटे ट्रैवल करके गए थे. आई थिंक विच वॉज अ वेरी वेरी बिग कॉल फॉर द यूनिट. और फिर भी सबके पॉजिटिव वाइब्स थे इतने कि नहीं यार आए हैं तो करके जाएंगे. तो बड़ी मेहनत लगी स्टार्टिंग में. बहुत मुश्किलें भी आई बट वो सारी मुश्किलें हम पार करके हमने सॉन्ग शूट किया सक्सेसफुली और हम वापस आ गए. बिल्कुल. एंड द सॉन्ग इज लुकिंग अमेजिंग. द वीडियो इज लुकिंग अमेजिंग. जन्नत आपसे सवाल ये था कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का जो रास्ता है उस तरफ आपने कदम बढ़ा दिया. तो आपको आपसे क्या उम्मीदें हैं और मुझको मुझसे क्या उम्मीद है? आपसे खुद को मुझसे क्या उम्मीद है? आगे क्या सब प्लानिंग है आपकी बड़े पर्दे की? देखिए उम्मीदों का मैं क्या बताऊं, मैं क्या बोलूं मुझसे क्या उम्मीद है. बस यही है कि ऑफ कोर्स आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं. इतने साल पहले स्टार्ट किया था यू नो एड कमर्शियल से, फिर टीवी से, उसके बाद अब इतने साल टीवी कर लिया इसलिए अब रोक दिया. और अब टचवुड माशाल्लाह अच्छी एल्बम्स आ रही हैं. ये इतना यू नो इतनी अच्छी एल्बम, बहुत बड़ी एल्बम हो रही है और लोग अभी से इतना पसंद भी कर रहे हैं. इसके पोस्टर जब आया था उसका जो ट्यून आया था तभी मुझे बोला गया तो भैया आप तो पता लग रहा है गाना कितना अच्छा होगा. सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग दैट इज गोना हैपन इन द फ्यूचर. लाइक इट्स हैपनिंग ऑलरेडी. आपको आप सभी को भी बहुत मुबारक ईद है. कल ही थी और आज ये गाने का लॉन्च है. आपके चेहरे से लग रहा है काफ़ी खुश हैं आप. हाँ जी बिल्कुल खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ईद की अलग खुशी है और गाने की अलग खुशी है. और बस अब ईदी भी चाहिए मुझे. मैंने हमने ईदी दे दी आपको गाना इतना अच्छा देकर. अब बहुत सारे प्यार के साथ और बहुत सारे अच्छे व्यूज़ के साथ हमें भी ईदी चाहिए. अवसर अच्छा था मतलब लॉन्च द सॉन्ग एंड टू प्रेजेंट द सॉन्ग एंड एज शी सेड दिस विल बी परफेक्ट ईदी फॉर इंटीमेट गैदरिंग. हां आई थिंक हम इसकी डेट्स का बहुत ऊपर नीचे चल रहा था बट यू नो द मैन अप देयर इज वॉचिंग अस. तो जिसने जिस हिसाब से मेहनत करी होती है उस हिसाब से उसको फल मिलता है. तो इससे बढ़िया, इससे ऑस्पिशियस, इससे प्योर डेट नहीं हो सकती थी. आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट. और हमने बहुत, हमारे लिए भी यार एक मेरे लिए एक्चुअली हर एक सिंगर के लिए, हर एक आर्टिस्ट के लिए उसका गाना लॉन्च होना एक त्यौहार से बढ़कर नहीं है यार. तो क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत, बहुत महीनों से मेहनत चल रही होती है एंड फाइनली वी डिलीवर द प्रोडक्ट टू पीपल. सो इट्स अ बिग डे फॉर अस. गॉड इज़ फेवरिंग अस लाइक ऑलवेज. आपको पता है जन्नत बहुत ही इंटीग्रेटेड एक्टर हैं और जी. मैं शुरू से ही, मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्टिंग वाला पार्ट होता है क्योंकि मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है. तो मैंने एक अभी जब इन्होंने शी डोंट नो पे टिकटॉक बनाई थी, वीडियो बनाई थी, तो मैंने देखा कि शी डज वेल. बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटल एक्टिंग करती हैं, बहुत ही अंडरप्ले करती हैं. ऐसा भी नहीं कि कुछ लाउड हो रहा है. तो दैट्स हाउ आई गॉट इन कॉन्टैक्ट. मैंने इनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ काम करें और वी गोना किल इट, कैमरे को हम खा जाएंगे. तो इन्होंने कहा ठीक है चलो हो गया. फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर टीवी करियर यू हैव मेंटेन अ वेरी इंपैक्टफुल पर्सनालिटी एज़ फार एज़ योर एक्टिंग एंड योरसेल्फ पर्सनली कंसर्न. अब आप इंटरनेट पे भी सेंसेशन बनना की सोच रही हैं? सोच रही हूं. नहीं मतलब पूरी तरह से आप आई अंडरस्टैंड छा जाना चाहती हो? नहीं वो छा ही नहीं है, वो एकदम एवरी हर एक मोबाइल में इनका होता ही है यार. वो देखो बंदा इतना खुश है इनसे मिलके, पता नहीं क्यों. वो ब्लश कर रहा है बंदा पूरा, उनके गाल गुलाबी हो गए हैं. ऑफ कोर्स इट इज एब्सोल्युटली. एंड ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था. इनफैक्ट मुझे अलाउड नहीं था सोशल मीडिया 3 साल पहले तक के. मैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी
क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा छोटी थी ये सब यूज़ करने के लिए, तो डैडी और मम्मा ने मना किया हुआ था कि नहीं करना है, बट वो लकीली जैसे ही बोलते हैं ना मम्मी डैडी कभी हाँ अच्छे मूड में हो हाँ बोल दिया और बना लो टाइप्स, तो वैसे बना एंड देन सडनली धीरे धीरे करके हुआ, बट सडनली ये एक साल से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, और ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था, लेकिन वो बोलते हैं ना गो विद द फ्लो, और फिर अपने आप सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा कि अब मैं भी कभी कभार सोचती हूँ कि लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं और इतना क्यों पसंद कर रहे हैं, बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इतना प्यार देने के लिए, दैट्स इट। हाँ मैं तो कब से कर ही रही हूँ, एज इन जब हमारा फर्स्ट लुक आया, पोस्टर, फिर वो टीजर आया छोटा सा, एंड अपना गाना यार, तो अपना गाना तो मतलब मैं दूसरों के गाने प्रमोट करती हूँ, लोग के आते हैं तो उनके गाने प्रमोट करती हूँ, तो ऑफकोर्स जब अपना गाना है तो उसको तो पूरी जी जान लगा के खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है कि भाई मेरा गाना है प्रमोट तो करना पड़ेगा। ओके विलेन, अंदर यू नो 5 दिन की वो स्टोरी क्या है, उसके पीछे का राज अब बता दे, क्योंकि उसके पीछे की कोई गाने से पहले कुछ वन मिनट अबाउट जिंदगी की पॉडी डालना शुरू किया यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने अपना डाला कि हाउ वॉट वॉज द एक्सपीरियंस, एक्चुअली एक्सपीरियंस यही था कि हम 5 दिन आर्मेनिया में गए थे और हमने 3 दिन शूट करना था और 2 दिन जैसे होता है ना दिल्ली वाले पार्टी करते हैं, तो 2 दिन पहले पार्टी तो कर ली और दूसरी रात को हमें पता चला कि तीसरे दिन का जहाँ से हमने शूट शुरू करना है अगले दिन से, वेदर ही बहुत डायनामिक है, कभी बारिश हो रही है कभी स्नोफॉल हो रही है, तो जो हमने सेट बना रखा था, जो भी हॉस्पिटल देख रहे हैं आप इसका पूरा सेट बना रखा था हमने, तो वो सब रुइन हो गया था बारिश के चक्कर में, और सारे आई स्वेयर ऑन माय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम सारे रो रहे थे, मतलब मैं सेठी बाजी शैबी जिसने वीडियो इतनी अच्छी तरह डायरेक्ट की, आशीष, हम सारे लिटरली वी वर क्राइंग कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, बट वो देख रहा होता यार, वो उसने कहीं और लेके जाना था हमें, तो देख हम मैन की उसने कहा कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक विलेज है, वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है, तो वी जस्ट गैम्बल्ड एंड वी गॉट देयर, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उम्मीद से दुगना हमें देखने को मिल रहा था, और आप कैनवास देखिए, आप लैंडस्केप देखिए, इट्स वास्ट, आई थिंक वो जो होना होता है ना जहाँ जहाँ लिखा होता है वहीं वहीं हो जाता है, तो ये 5 दिन की स्टोरी थी, स्टोरी में यही था कि हम रो रहे थे, किसी गाने ने हमें इतना रुलाया नहीं है जितना आर्मेनिया के वेदर ने रुलाया, तो या दिस वाज स्टोरी। राइट, नहीं 267 मिलियन हो गए, मैंने कभी व्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इस पे ध्यान दिया कि मेरा गाना अगर कोई बच्चा गा रहा है या कोई बूढ़ी सी आंटी गा रही है या अंकल गा रहे हैं तो दैट्स अ हिट फॉर मी, अगर मेरा गाना रिक्शे में बज रहा है और मेरा गाना वही प्लेयर की रस्ते सुन रही है तो दैट्स अ हिट फॉर मी, अगर मेरा गाना बच्चा स्कूल नहीं जा रहा कि मैं उसका गाना सुन के जाऊँगा, कलेश लगाओ या यू नो शी डोंट लगाओ या नजर लग जाएगी, मैं उसका गाना सुन के जाऊँगा, दैट्स अ हिट फॉर मी, दैट्स अचीवमेंट फॉर मी, दैट्स व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ, मैंने कभी जब हम मैंने सपने देखे थे तो व्यूज़ तो दूर दूर तक नहीं थे, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं दुनिया के नंबर वन चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दुनिया का नंबर वन चैनल टी सीरीज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू द इंटायर टीम, भूषण सर मेरे साथ इतने सपोर्टिव हैं, ही जस्ट ट्रीट्स मी एज अ यंगर ब्रदर एंड ही इज़ ऑलवेज बीन देयर, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मैं दुनिया के नंबर वन चैनल के साथ जुड़ा हूँ। या एक्चुअली द थिंग इज डिफरेंट, यू नो वो एक आर्टिस्ट है, उन्हें अपने आर्ट का वैल्यू है, एंड ऑफकोर्स जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका जो असली अचीवमेंट है वो यही है कि कोई छोटा बच्चा भी उनका गाना गा रहा है और यू नो एक
बूढ़ी औरत भी उनका गाना गा रही है. एंड जहाँ तक की बात व्यूज़ की, हाँ ऑफ कोर्स इट मैटर्स फॉर मी. एंड इट्स नॉट दैट कि सिर्फ व्यूज़ ही मैटर करते हैं कि कुछ भी बना दो बस उसको व्यूज़ मिलने चाहिए, नहीं. ओवरऑल एक पैकेज होता है कि आपकी स्टोरी भी अच्छी है, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, आपके गाने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, डायरेक्शन को अप्रिशिएट कर रहे हैं और व्यूज़ दे रहे हैं. सो यू नो एक ओवरऑल जो पैकेज होता है, मैं वो चाहती हूँ कि लोग सिर्फ व्यूज़ ना दें, व्यूज़ दें और उसमें कॉमेंट भी करें कि भाई हमने 20 बार ही देख लिया गाना लेकिन मन नहीं भरा. सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स फॉर मी. ऑल्सो यू नो जैसे कि ठंडी के बारे में बताया, आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा इतनी ठंड में शो? बहुत डिफिकल्ट था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि ठंड लगना बंद हो गई लेकिन हाथ नहीं फील हो रहे थे, कान नहीं फील हो रहे थे, तो मैं कई बार डर भी गई कि क्या ऐसे कुछ पैरालाइज वगैरह तो नहीं हो गया मुझे, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा. और फिर आप बाहर होते हो घर से तो डर लगता ही है कि भाई यहाँ तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा. तो मुझे ठंड एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है और बिल्कुल आदत नहीं है, बिकॉज मुंबई में इतनी होती नहीं है ठंड. लेकिन फिर भी काफ़ी ध्यान रखा, काफ़ी सारी चीज़ जगहों पर मुझे जैकेट दिया और कई बार मिलन ने अपना जैकेट, मैंने इसका भी जैकेट यूज़ किए हैं. तो हाँ ध्यान भी बहुत रखा, लेकिन हाँ डिफिकल्टी हुई, बट देन दिस इज ऑल वर्थ इट फॉर अ ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग सॉन्ग. आल्सो इतने बिजी शेड्यूल से उनको टाइम निकालना कितना मुश्किल था आपके लिए फॉर द शूट? नो, आई थिंक सबसे जो मेरी प्रायोरिटी है वो मेरा शूट है, मेरा काम है. और जितना भी बिजी हो अपने काम के लिए तो टाइम निकालना ही है. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मेरे, जो भी अपने गैदरिंग्स हैं या फिर कुछ भी और चीज़ें, वो मेरे लिए सेकेंडरी होती हैं. तो काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए तो मतलब टाइम निकालना ही है. सो इट वॉज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर मी एट ऑल. इनफैक्ट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई वॉज लाइक ऑफकोर्स मैं ब्लेस्ड हूँ कि यू नो इतने अच्छे सॉन्ग का मैं पार्ट हूँ. देखो एक ही बार में तीन तीन क्वेश्चन उसने पूछ लिए मुझे. कौन से स्टार के साथ करना पसंद करेंगे, कौन सी जॉनर? वाह, अभी मैं क्वेश्चन ही भूल गई आपका, क्या क्या था? नहीं मैं समझ गई, आई अंडरस्टूड, आई एम जस्ट किडिंग. तो जैसे मैंने आपको कहा कि इट डजंट मैटर कि यही जॉनर मुझे करना है और यही स्टार के साथ मुझे करना है और अभी मुझे ये मूवी करनी है, नहीं. जैसे मैंने कहा कि वो जो फुल पैकेज होता है ना, कि आपकी स्टोरी भी अच्छी हो, जो कैरेक्टर आप करना चाहते हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, इंस्पायरिंग हो, और एक्टर ऑफकोर्स अब कोई एक्टर मूवी करेगा तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा और टैलेंटेड ही होगा. सो इट्स नॉट लाइक कि मेरा कुछ प्रेफरेंस है कि मुझे इसके साथ मूवी करनी है, इसके साथ नहीं करनी है. सब जितने हमारी इंडस्ट्री में सब बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं और आई विल बी ब्लेस्ड अगर मैं किसी के भी साथ मूवी करूँगी तो. लेकिन ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है यू नो कि ऐसा जॉनर करना है या ऐसी मूवी करना है, नहीं. बस अच्छा हो, इंस्पायरिंग हो और वही दिल को छूने वाली इमोशनल मूवी हो. ओके, लास्टली जाते जाते यू नो जैसे कि आपने कहा कि आपको मिलिन के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो हमें आपका फेवरेट सॉन्ग बता दें ताकि वो मिलिन हमें. हाँ, मैं तेरी हूं. नहीं मैं सुनूंगा, आप ये गाएंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है? है ना? नहीं, हम दोनों गा सकते हैं. मैं सुनता हूं, इनके साथ मैं गा रहा हूं. बहुत सारे सवाल है. हाँ जी, बिल्कुल जारी रहेंगी. जब ये चीज़ स्टार्टअप ही लिया है अभी से, इसीलिए अभी से स्टार्टअप लिया है ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आके चीज़ें आएँ कि अच्छा अब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जा रही हैं, पहले नहीं थी. ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी से ये मतलब पहले से ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो भी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी. इट डजंट मैटर कि मैं मूवी कर रही हूँ या मैं किसी वेब सीरीज़ कर रही हूँ या मैं कोई एल्बम कर रही हूँ, तो किसी के लिए टर्म्स मेरी चेंज नहीं होंगी कि मैं मूवी कर रही हूँ तो मैं कर लूँगी इसमें और इसमें मैं नहीं करूँगी. नहीं, जो मेरी टर्म्स हैं वो हमेशा हर प्लेटफॉर्म के लिए होंगी. नॉट रियली, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के वजह से जो मेरा टैलेंट है या जो मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ या जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं वो मुझे मेरी एक्टिंग या मेरे लिए ही दे रहे हैं. तो इनकी कंडीशंस में एक कंडीशन है कि सेट पे बोनवीटा जरूर होना चाहिए. बोनवीटा बहुत पीती हैं.
मैंने ये बोनविटा वाली बात तो आपको पता है वो ये सारी कंडीशंस की बात नहीं कर रहे जब हम फ्लाई कर रहे थे तो मैंने कहा जब हम फ्लाई कर रहे थे तो मैंने कहा कि आर्मेनिया फ्लाई कर रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि यू नो वुड यू हैव सम टी और कॉफी तो कह रही नहीं मैं बस बोनविटा अगर एयरपोर्ट पे कहाँ से लाऊं बोनविटा बिल्कुल आपको हर एक को लाना पड़ेगा सी जैसे मैंने आपसे कहा कि द टर्म्स एंड कंडीशन इट डजंट मैटर बिकॉज जिसको भी मुझे कास्ट करना होगा वो मुझे मेरे टैलेंट के बेस पर करेगा ना कि उन सारी चीज़ों के बेस पर और अगर उसके लिए कास्ट करना होगा तो करेगा बट फिर यू नो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है क्वालिटी मैटर करती है तो उस हिसाब से काम करेंगे बट टी वी एज ऑफ नाउ हैव स्टॉप डूइंग गाना गाना टेंथ को आ रहा है वो उसके लिए भी ईदी चाहिए लेकिन आज मैं इस गाने के लिए तो आई एम टोटली फॉर दिस सॉन्ग सो आई विल ओनली टॉक अबाउट दिस सॉन्ग थैंक यू उस दिन बात करेंगे उसके लिए हाँ ओके ये वाला गाना तो आप सुन ही रहे हैं जो पीछे दिख रहा है तो मैं बताऊँ मेरा फेवरेट जो लिविंग उसको आप गाना वो हम वो गाते हैं शी डोंट नो गाते हैं मैं शी डोंट नो गाते हैं ठीक है मूवमेंट्स ये करती है मैं तो गाना गाता सर मेरा अरे बहुत अच्छा एक्टर है इन्होंने रोने की एक्टिंग मुझसे भी बहुत अच्छी आपके लक्षण दिखने लग रहे हैं मुझे एनीवे अच्छा Let's just close it with the gana. Shirano is my first song, jiske 267, jisko kehte hain hum, 267 million ho chuke hain. To mere liye bahut badi baat hai aur I'm thankful to T Series team. Here I sing. main din vichon tere layi time kadh ke karda main promise milan aaunga. मैनू पता है तू फैन सलमान खान दी ओदे गाने गा के तेनू मैं सुनाऊंगा होवा डेट ते ना लेट गल सिद्धी करा स्ट्रेट होर मुंडिया दे वांगू करा गल्ला ना चीजी शीरो नो दुनिया जी ने दे क्रेजी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच